are you? Welcome to back in your physics class. So, student, in the previous class, we discussed about the some IIT JEE problem which was based on the superposition principle of electric force. Yani ki isse pehle ka jo lecture number 9 tha, us lecture mein maine kya kiya tha? Kuch IIT JEE mains ke question to solve kar diya tha, lekin kuch problem ki wajah se wahan pe maine zyada question ko deliver nahi kar paya, sirf do hi question ko kar paya. To student, is lecture mein hum kya karenge? Fir usi cheez ko hum repeat karna shuru karenge. मतलब इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ कर सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे. वो भी न्यूमेरिकल्स क्या है, आई टी जे मेन से लिया गया है. ओके, तो सबसे पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कूलम्स लॉ को नहीं पढ़ा या फिर सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं पढ़ा है, छूट गए किसी वजह से, तो क्या करिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसको इजिली पा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद क्या करेगा, अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा होगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. ओके, सो ओके स्टार्ट क्लास. तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास स्मॉल m, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास स्मॉल m एंड चार्ज क्यू कूलम्स. यानी आपके पास क्या है, दो स्फीयर है, उसमें से हर एक का मास कितना है, स्मॉल m है, और हर एक पे चार्ज कितना है, क्यू, यानी कि लाइव चार्ज है, याद रख लो लाइव चार्ज रिपल करना है. और सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, क्या हुआ है कि एक पॉइंट से सस्पेंड हुआ है दोनों बाल को, बाय इंसुलेटेड, बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच एल मीटर, यानी कि जिस थ्रेड से ये क्या किया गया, लटकाया गया है, उस थ्रेड की लंबाई कितनी है, एल है. थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल लाइन, यानी कि थीटा वो एंगल होता है कि जब जो थ्रेड जब उसको हम लटकाते हैं तो उनके भी जो रिपल फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन में जो थ्रेड होता है वो क्या करता है, एंगल बनाता है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ. व्हेन इक्विलिब्रियम हैज अ टैनिंग सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पंजाब 95 में आ रहा. ओके, तो फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को. पहले आपके पास दो बॉल है और हर एक बॉल का मास कितना है, स्मॉल m. आपके पास दो बॉल है, उसका मास कितना है, हर एक का स्मॉल m है, और हर एक पे चार्ज कितना है, q है. इनको क्या कर दिया गया, एक थ्रेड से लटकाया गया है, और जब स्टूडेंट वो जब थ्रेड से लटकाया जाएगा, दोनों के पास चार्ज तो सेम है, तो रिपल करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो पहले बॉल तो आपका ऐसा रहेगा, ऐसे लटकता रहेगा, लेकिन जब रिपल होगा तो रिपल होने के बाद फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे. तो इस टाइम पे जब ये इक्विलिब्रियम में होता है, जब ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस टाइम पे जो थ्रेड इधर गया है वो क्या करता है, वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है. तो आपको शो करना है जो चार्ज होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है. तो यू हैव टू प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो लेट इट स्टार्ट द सॉल्व, देखते हैं. तो पहले मैं देखो ऐसे बना रहा हूं, पहले एक्चुअली में दोनों बॉल ऐसे कुछ करके था, बिल्कुल ऐसे लटक रहे थे, पास पास में टच भी कर रहे थे, लेकिन आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि इन पे प्लस प्लस चार्ज है, क्यू क्यू चार्ज है. तो जब क्यू चार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच क्या हो जाएगा, रिपल फोर्स होगा, रिपल करेंगे, तो ये रिपल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे. पहला बॉल आपका यहां पर हो जाएगा और सेकंड बॉल क्या हो जाएगा, यहां फर्स्ट बॉल कहां होगा, यहां पर, सेकंड बॉल क्या होगा, यहां पर. तो इसका मास क्या है, यम है, इसका भी मास क्या है, ये यहां पर क्यों है, क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल फोर्स लग रहा है. ओके, नाउ हियर सपोज दैट उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरा ये आर है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल आर है चार्ज के बीच का. तो यहां से एक वर्टिकल पहले लाइन ड्रा करो, वर्टिकल लाइन आपने ड्रा कर दिया, तो जब वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया तो यहां पर क्या ऑब्जर्व करो कि जो थीटा होता है, थीटा ये थ्रेड है, क्योंकि थ्रेड पहले आपका इसी पे था, अभी क्या करता है, इधर चला गया और इधर चला गया, तो थ्रेड इधर चला गया, इसकी लंबाई कितना एल है और एल है. तो अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि देखो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका वेट पहली बात कहां लगेगा, नीचे एमजी, इसका वेट एमजी कहां लग रहा है, नीचे. इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इस तरफ, ये फिगर हो गया, ये कहां हो गया, इस तरफ हो गया. डोरी में क्या लगता है, टेंशन, टेंशन. स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन लगता है. तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे थीटा है, तो अगर इस पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो यहां पे,
ये भी क्या हो जाएगा थीटा एंगल, बिकॉज पैरेलल है ये लाइन क्या पैरेलल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है, तो कट करने पर क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा डोरी में अंदर की ओर लग रहा है बेटा, हाँ टेंशन फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगेगा, तो इस टेंशन को क्या करो दो कंपोनेंट बांटो, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा इधर ही टी साइन थीटा। अब वो क्या रहा है, ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ये वाला पर क्या है इक्विलिब्रियम में, मतलब ये ऐसे हवा में ऐसा लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, तो इधर उधर मूव कब नहीं करता है कि जितना फोर्स इधर लगे उतना फोर्स इधर, यानी कि याद कर लो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है कि लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड का फोर्स, आपका फोर्स क्या हो जाएगा डाउन का फोर्स, तो लेफ्ट का फोर्स एफ है, राइट का फोर्स क्या है टी साइन थीटा, तो इसको इक्वल कर दो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या एफ, आपका फोर्स क्या हो जाएगा डाउन का फोर्स, तो ऊपर टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा और नीचे क्या है एमजी, इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर टी टी क्या हो जाएगा कैसे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, सो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एमजी, तो एमजी को यहां रिप्लेस कर दो, तो यहां पे स्टूडेंट हो जाएगा mg tan थीटा इज इक्वल टू, आप यहां क्या देख रहे हैं कि tan थीटा लिखा रहा है, इसलिए उसको क्या करना है उसको हटाना नहीं है आपको, बस किसी तरीके से आपको क्या लिखा रहना है sin स्क्वायर थीटा, सो mg tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ एल जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 कितना है यहाँ पे चार्ज Q है, Q2 भी कितना है Q है, तो Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर हो गया, इसको यहां भेज दो इस तरफ, इसको कहां भेज दो इस तरफ, तो आप कहेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया, Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया mg tan थीटा, mg tan थीटा और फोर पाई एफ आर नॉट आर स्क्वायर, ये इतना आया। अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, अगर ये पूरा आर है तो ये इतना क्या हो जाएगा आर बाई टू, ये इतना पूरा ध्यान समझिए अच्छे से इसको, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरा आर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा आर बाई टू, तो अब क्या करिए इस ट्रायंगल को लो, जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कर टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है r बाई टू, हाइपोटेनियस कितना है l है, तो यहां से r इक्वल टू हो जाएगा 2l sin थीटा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l sin थीटा, तो यहां पे r की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा 4 पाई एफ आर नॉट, आर कितना है 2l sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो मुझे यहां तक लग रहा है जितने भी टर्म यहां पे उतने टर्म यहां पे हो चुके हैं, तो बस क्या कर दो इसी को ऐसे राइट कर दो, तो यहां पे जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंदर 4mg tan थीटा 4mg tan थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा l स्क्वायर, यहां पर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया, सो अगेन रिकॉल टू क्वेश्चन, फिर से दोहराते हैं इसको, आपके पास दो बार है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, हर एक का मास कितना है इस्माइलियम है, दोनों पे चार्ज कितना है क्यू है, आपके पास दो बॉल है, दोनों का बॉल का मास कितना है इस्माइलियम है और हर एक पे चार्ज कितना है क्यू है, और इनको क्या कर दिया गया जब थ्रेड से लटकाया गया, थ्रेड से लटकाने पर वो ऐसे रिपल करेंगे, रिपल करने पर ऐसे इक्विलिब्रियम में आ गए, तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ गए, आने के बाद जो थ्रेड होता है वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा एंगल, तो वही चीज मैंने यहां पे दिखाया, क्या दिखाया कि एक थ्रेड यहां पे, एक थ्रेड आप इसको यहां पे भी बना सकते हैं, तो यहां पे जब आया बॉल तो बॉल हमारा क्या हो गया स्पीयर क्या हो गया बैलेंस में है, कैसा है यहां पे
बल्को क्या है ना इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स लेफ्ट उतना फोर्स क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो टेंशन अंदर हो गया दो कंपोनेंट बांटो, ये टी कॉस थीटा, ये क्या हो गया टी साइन थीटा, फोर्स इधर हो गया एमजी कहां जाएगा नीचे चला गया, तो ये पूरा मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया आर, तो ये कितना हो जाएगा आर बाई टू, तो साइन थीटा कर दो लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा कर दो आर बाई टू अपॉन एल, तो आर कर दो कितना हो गया टू ए साइन थीटा। तो यहां पे ध्यान समझिएगा टी कॉस थीटा कर दो कितना हो गया एमजी और टी साइन थीटा कर दो क्या हो जाएगा एफ, तो जब डिवाइड करेंगे टैन थीटा कर दो क्या आ गया एफ अपॉन एमजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके tan थीटा कर दो एफ अपॉन एमजी, लर्न कर लो tan थीटा कर दो एफ अपॉन एमजी, मल्टीप्लाई करा दिया एफ इक्वल टू क्या हो गया एमजी tan थीटा, मैंने एफ का वैल्यू रख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 यहां पे कितना है ये भी q है, q2 भी कितना है q है, तो q q क्या हो गया q स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, अगेन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो q स्क्वायर इक्वल टू एमजी tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, r कितना गिवन है 2 sin थीटा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे इसका हम तो क्या हो जाएगा 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस सॉल्व कर दिया वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 एमजी टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू एल स्क्वायर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेई मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो बैलून टाइप से बनेगा, तो चाहे वो बैलून हो चाहे वो स्फीयर हो, बात क्या है एक ही है, और हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बना रहता है सरकंडे, एक क्वेश्चन होगा सरकंडे टाइप का, ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, वो जो क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जो सरकंडे वाला क्वेश्चन था यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे, जो सरकंडे वाला क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ओके बहुत डर रहता कैसे सॉल्व होगा, तो इसी सॉल्व होगा कुछ करना नहीं है, ओके तो आपको क्या करना सबसे पहले मेन फॉर्मूला ये है tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एमजी, सो यू कैन नोट डाउन एंड नेक्स्ट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी जेई मेंस 2010 में आया था, क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा रहा हूं अच्छे समझिएगा, करेक्ट टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, आपके पास क्या है दो स्ट्रिंग है हर एक की लंबाई क्या है सेम है और दो चार्ज है आइडेंटिकल चार्ज, यानी कि मास भी क्या रहा होगा उनका सेम रहा होगा, चार्ज भी क्या रहा होगा उनका सेम रहा होगा, और उनको क्या कर दिया गया है सस्पेंडेड कराया गया है, और उस टाइम पे जो एंगल बना स्ट्रिंग मेक एंड एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, यानी कि एक स्ट्रिंग देखो जब ऐसे लटकाया गया एक स्ट्रिंग इधर गया और एक स्ट्रिंग इधर गया, तो दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल बना रहा होगा जो एंगल बना रहा होगा वो कितना है 30 डिग्री, ओके यानी कि ये जो एंगल बना रहा होगा कितना डिग्री 30 डिग्री, अब इनको क्या कर दिया गया इमर्ज्ड इन लिक्विड, यानी कि जो इसे पूरा सिस्टम था ना उनको कहां डुबो दिया गया वाटर में या किसी लिक्विड में डुबो दिया गया, और जब लिक्विड में डुबोया गया तो एंगल क्या है कांस्टेंट है, यानी कि इस सिस्टम के ऐसे से नहीं हो रहे हैं, जो ऐसे सिस्टम हमारा बना पड़ा था ऐसे इस टाइप से करके वो कहां चला गया इसे नीचे, तो एंगल चेंज नहीं होता है, और जिस लिक्विड में डुबोया गया उसका डेंसिटी कितना है 0.8 और जो बाल था स्फीयर था उसका डेंसिटी कितना है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कह रहा ये बताओ जिसमें डुबोया गया उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा होगा, ओके समझ में आया क्वेश्चन, फिर से समझा रहा हूं, दो बाल था उसको लटकाया गया पहले एयर में था, एंगल कितना बनाया जा रहा था यहाँ पे 30 डिग्री, उसको कहां डुबो दिया गया लिक्विड में, और जिस लिक्विड में डुबाया गया उसकी डेंसिटी कितना है 0.8 और बाल डेंसिटी कितना है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पूछ रहा है जिस मीडियम में डुबाया गया उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, ओके तो समझो पहले ध्यान से, पहले कहां पे था ये एयर में था, तो एयर में क्या था tan थीटा कर्व क्या होता है आपने सुना होगा एफ अपॉन एमजी, यही था, अब कहां चला गया लिक्विड में, अब tan थीटा चेंज नहीं होता है लेकिन फोर्स चेंज हो जाता है एफ डैश अपॉन एमजी डैश हो गया, ये सब तो चेंज हो गया, अब इनको कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा एफ अपॉन एमजी, एफ अपॉन एमजी इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम डी एच, एम क्या हो गया कैंसिल, इसको नीचे लेकर आओ तो एफ अपॉन एफ डैश, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू जी अपॉन क्या हो गया जी डैश, तो याद कर लो फॉर्मूला क्या आया था इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आया था बहुत पहले,
k equal to f upon fm. एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. यहाँ पे के बोल रहे हैं हम. प्रिंसिपल का फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू जी वन माइनस रो अपॉन सिग्मा. ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया. सो के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस रो अपॉन सिग्मा. तो इसको अगर बच्चों सॉल्व करते हैं सिग्मा इक्वल टू आता है के सिग्मा माइनस रो. तो यही वो फॉर्मूला है, आप इसे ठीक से सॉल्व कर सकते हैं. सिग्मा इक्वल टू के सिग्मा माइनस रो. यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है. सिग्मा कितना की मैंने, सिग्मा होता है मटेरियल का. सिग्मा किसका डेंसिटी है, ये मटेरियल कितना दिया 1.6. यहाँ पे 1.6 इक्वल टू कैपिटल के. 1.6 माइनस 0.8, 1.6 माइनस 0.8, 1.6 इक्वल टू के इंटू 0.8. खत्म हो गया. 8 × 2 = 16. यानी कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा होगा, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा होगा वो कितना है 2.0. ओके, तो बहुत इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया. एयर में क्या था, टेंशन कर्टी एफ अपॉन एमजी. लिक्विड में क्या हो गया, टेंशन कर्टी एफ डैश अपॉन एमजी डैश. इसको मैंने कंपेयरिंग करके ये लाया. हमने कहा कि जब लिक्विड में जाता है तो फोर्स कैसे चेंज होता है, इस तरीके से के इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम. तो यहाँ पे क्या था, लिक्विड में था ना, मीडियम में था, तो क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू आल्बर्ट प्रिंसिपल कहता है. किसका होता है डेंसिटी, याद रखिएगा लिक्विड का, और सिग्मा किसका होता है, सब्सटेंस का, जिसको आप डुबोते हैं. सॉल्व करने पर टेक्निकल फार्मूला आ गया, सिग्मा कर टू के सिग्मा माइनस रो. तो बाय रिपोर्ट करने के बाद के कर टू कितना 2.0, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बीच को जो यहां पर डिस्टेंस दिया है, वो यहां पर जो डिस्टेंस दिया है वो ए है. यहां पर डिस्टेंस क्या है, बी है. करें x कंपोनेंट ऑफ फोर्स r माइनस q1, यानी कि इस माइनस q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट क्या होगा. समझ में आ रही बात, कह रहा है कि माइनस q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट आपका क्या होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स r माइनस q1. तो देखो सबसे पहले इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है ना, एक फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है. तो इसको हम सपोज कर लेते हैं F1, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F2 है. तो पहले समझो ध्यान से, अच्छे से मेरी बात को समझ पाइए, पकड़िए ध्यान से बढ़िया से, कि जो F1 है वो तो X पे तो है ही ना, बट F2 को क्या करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट में मुझे बांटना पड़ेगा, एक इधर आएगा और एक इस तरफ आएगा. तो ये अगर एंगल थीटा है तो सोचो ध्यान से, ये 90 है, ये पूरा कितना है, ये 90 है, और यहाँ पे पूरा 180 बनता है. पूरा एंगल कितना बनता है, 180, और जब ये 90 है इसका मतलब अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो इस F2 का दो कॉम्पोनेंट होगा, एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा. तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, जिसके साथ एंगल बनाया जाता है वो कॉस वाला होता है. तो F2 cos 90 माइनस थीटा, और इस पे क्या आएगा, F2 sin 90 माइनस थीटा. लेकिन यहां से किसकी बात कर रहा है, x कंपोनेंट की बात कर रहा है. तो x कंपोनेंट कौन कौन है, इसी पे कौन कौन से फोर्स आ रहा है, एक F1 आ रहा है, एक ये है. तो इसको क्या करो, दोनों को एड कर दो. तो x कंपोनेंट जो हो जाएगा, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 cos 90 माइनस थीटा. तो f1 किसके किसके बीच का फोर्स था स्टूडेंट, ये देखो f1 इसके इसके बीच का फोर्स, q1 और q2 के बीच, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पर फाइनल 0 q1 q2 r स्क्वायर. r कितना है, b. यहां पे क्या कर देंगे हम, b स्क्वायर प्लस अगेन F2 निकालो, F2 किसके किसके बीच का फोर्स था, Q1 और Q2
Q3 के बीच का, Q1 Q3 अपान उनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, यहां पे क्या हो गया a स्क्वायर cos 90 मास थीटा क्या होता है sin थीटा, तो अब इस कॉमन होगा q1 अपान 4 पाई फॉल इज 0, q1 अपान 4 पाई फॉल इज 0 कॉमन, यहां पे क्या आया q2 अपान b स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आया q3 अपान a स्क्वायर sin थीटा। तो ये क्या था x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये क्या था x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं इसको, हम ध्यान से आपका सिस्टम ऐसे दिया था, ये x एक्सिस और ये क्या था y एक्सिस, यहां पे एक चार्ज q2, यहां पे चार्ज क्या -q1, इनके बीच फोर्स क्या लग गया हमने कहा F1, और एक चार्ज यहां पे भी था, एक चार्ज यहां पे -q2। तो अचीव डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, यहां समझा रहा हूं मैं फिर से, यहां पे क्या था डिस्टेंस b, यहां पे डिस्टेंस क्या है a। तो ये क्या कर रहे हैं ध्यान समझो, ये पहले बात को, ये रिपल फोर्स होगा तो रिपल फोर्स हमारा f2 कहां चला गया इस तरफ, अब ये एंगल कितना बना था थीटा, हमने कहा पूरा कितना होगा 180, तो जब ये 90 अकेले हो गया तो बचा दोनों कितना 90 बचा, तो जब ये थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा इस पे आएगा, तो क्या हो जाएगा f2 cos 90 माइनस थीटा। cos क्यों लिया गया, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता वो हमेशा क्या होता है cos वाला होता है, तो x कंपोनेंट हो गया y कंपोनेंट, इधर इन सबसे मतलब है हमारे x y का मतलब था, देखो कह रहा है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो यही था, इसको बदल करके क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, तो वेरी इजी क्वेश्चन, जेईई मेंस 2003 में आया था, सो लेट्स सॉल्व इट एंड सॉल्व द